हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम 22 से लेकर 28 मार्च के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करेंगे। जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि टेस्ट की तरह लीजिएगा, कितना स्कोर किया आपने, कितने आंसर सही थे आपके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, धीरे धीरे कोरोना वायरस के केसेस हमारे देश में भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए घर पर रहिए प्लीज़, और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करिए। और अगर आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, अगर आप कुछ हेल्प कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उसके लिए आगे आइए, हेल्प कीजिए। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर घर पर रहिए, वही सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं अपने कौन से हैं इस हफ्ते के। तो पहला है, हाल ही में ICMR ने किस बीमारी के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का प्रयोग करने की सिफारिश की है? तो हम सभी जानते हैं अभी जो फ़िलहाल में बीमारी जो चल रही है वो COVID-19 है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता फ़िलहाल। और कोरोना वायरस के चलते ना सारे करंट अफेयर्स ही ख़त्म हो गए हैं, कुछ और हो ही नहीं रहा है पूरी दुनिया में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर है COVID-19। ICMR ने COVID-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक कोरोना वायरस से प्रभावित व्यवसायों को धन प्रदान करने के लिए COVID-19 आपातकालीन क्रेडिट लाइन लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्रेडिट लाइन की जो लास्ट डेट होगी वो 30 जून तक होगी। 30 जून तक कोई भी व्यक्ति आपातकालीन क्रेडिट ले सकता है SBI से। और कितने दिनों के लिए क्रेडिट मिलेगा? तो 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स का होगा ये क्रेडिट। और आसानी से क्रेडिट मिल जाएगा, साथ ही ब्याज दर जो होगी वो भी काफ़ी कम होगी, 7.25 की ब्याज दर पर ये कर्ज मिल जाएगा। तो SBI ने ये पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति भूषण पी धर्माधिकारी को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब कौन होंगे? तो वो हैं भूषण पी धर्माधिकारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? पहले बात करें एबल पुरस्कार की, तो ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है, और 2020 के लिए इसके विजेता हैं 1 और 2 दोनों, यानी कि ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुरस्टबर। तो ये दोनों ही विजेता हैं एबल पुरस्कार 2020 के लिए। ये याद रखिएगा, किस लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के 26वें संस्करण में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 120। अगर पूछा जाए फर्स्ट नंबर पर कौन है, टॉप किसने किया है, तो वो है सिंगापुर। अगर ये पूछा जाए कि कब से ये जो सूचकांक है जारी किया जाता है, तो 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, तब से लगातार हर साल ये सूचकांक जारी होता है। अभी ये 26वां संस्करण था और भारत की रैंक थी 120, टॉप किया सिंगापुर ने। हेरिटेज फाउंडेशन की बात कर लें तो ये एक अमेरिकी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना हुई थी 1973 में, और ये सार्वजनिक नीति को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें फ्री उद्यमी, सीमित सरकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर ये आधारित है। तो ये एक अमेरिकी अनुसंधान शैक्षणिक संस्थान है जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। 2020 में भारत की रैंक 120, टॉप किया सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, COVID-19 से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट क्या है? www.covid19stmc.org। तो ये वेबसाइट लॉन्च करने वाले विश्व समूह का नाम बताइए। तो ये विश्व समूह है सार्क। पिछले हफ्ते के करंट अफेयर में हमने देखा था सार्क समूह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, सार्क के जितने भी सदस्य हैं सभी ने, जिसकी पहल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी। तो सार्क समूह ने COVID-19 से संबंधित जानकारी के लिए ये वेबसाइट भी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 3 महीने में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये बैंक है DCB बैंक। और इससे पहले SBI के बारे में एक बात तो हमने देखी थी कि SBI आपातकालीन क्रेडिट देने वाला है। इसके साथ ही SBI ने यह भी घोषणा की थी कि SBI का जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 0.25% वो कोरोना वायरस के लिए देगा। तो SBI ने ऐसी घोषणा पहले की थी, और अभी ये घोषणा की गई है DCB बैंक के द्वारा कि 3 महीने में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस बैंक के ज़रिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष जीडीपी ग्रोथ में कितने प्रतिशत कमी की आशंका है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने कहा है कि 1.5% की कमी की आशंका है, वैश्विक जो जीडीपी होगी वो 1.5% कम होगी। और इससे पहले आईएमएफ ने भी इसमें कमी की है, और इसने भी बताया था, आईएमएफ ने भी बताया था कि जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है विश्व की, वो पहले इनका अनुमान था कि 2.6% रहेगी, लेकिन अभी ये कम कर दिया और बोला गया है कि 0.4% वैश्विक जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये सरकार है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक हैं जो कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्हें 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये याद रखिए, हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीकली वीडियो है, रिविजन वीडियो है, इसलिए डिटेल में नहीं कर रहे हैं। डिटेल में आप डेली करते ही हैं। सरकार ने हाल ही में ITR रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये तारीख कर दी गई है अब 30 जून। अब इसमें क्या होगा, कुछ और फैसले भी लिए गए हैं, जैसे कि 3 महीने तक ATM से आप पैसे निकालेंगे तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा ATM से पैसे निकालने पर। और अब ये रिटर्न फाइल करने की तारीख भी बढ़ा दी गई है 30 जून कर दी गई है। इसलिए किया गया क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो ये 21 दिन का लॉकडाउन है, इसकी वजह से लोग परेशान और ज़्यादा ना हों और आसानी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो पैसे का यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी इस स्कीम की? तो आयुष्मान भारत के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, यह है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। याद रखिए, क्या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन से मंत्रालयों ने, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दो मंत्रालयों ने मिलकर आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस के लक्षणों वाले मरीज का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है? तो ये है आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना। जो भी लक्षण कोरोना वायरस के मरीजों में दिखाई देंगे, जैसे कि कोल्ड हो जाता है या फिर खांसी हो जाती है और या फिर बुखार हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ये सभी जो लक्षण हैं, ऐसे लक्षण वाले मरीज़ का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की गई है। और ये आयुष्मान योजना जो है, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना, इसके तहत किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इससे पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव आयोग ने कौन से चुनाव मतदान को टालने का फैसला लिया है? तो ये है राज्यसभा के चुनाव। अभी राज्यसभा के चुनाव होने वाले थे और 55 सीटों के लिए चुनाव होने वाले थे 26 मार्च को, लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सब कुछ स्थगित किया जा रहा है, तो ये राज्यसभा के 55 सीटों के लिए जो चुनाव होने वाला था उसे भी टाल दिया गया है। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने 6 महीने का वेतन और किस क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं? तो यह है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं इस बोर्ड ने। और साथ ही भारतीय रेसलर जो हैं बजरंग पुनिया, इन्होंने अपनी 6 महीने का वेतन डोनेट कर दिया है कोरोना वायरस के लिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कितने महीनों के बाद रिहा किया गया? तो 7 महीनों के बाद इन्हें रिहा किया गया है। 7 महीने के लिए ये होम अरेस्ट पर थे, होम अरेस्ट इन्हें किया गया था और 7 महीनों तक ये रहा, तो अब 7 महीने बाद इन्हें रिहा कर दिया गया है। निम्न में से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कितने सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे? तो इसमें 3 कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे, 3 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करें तो 2015 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 3 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में कौन सा राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला पहला राज्य बना? तो ये राज्य है गुजरात। टेसर गन ये आधुनिक गन्स हैं जो पुलिस को दी गई हैं ताकि वो मामलों से अच्छे से, जो भी वो अपने कार्यवाही कर रही हैं, मामलों से अच्छी तरह से निपट सकें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकें, इसलिए ऐसा पहला राज्य है गुजरात। गुजरात ने अपनी राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपी है और ये सब पहला राज्य है। हाल ही में रिलायंस ने कहाँ पर COVID-19 हॉस्पिटल खोला है? तो ये COVID-19 हॉस्पिटल रिलायंस के द्वारा खोला गया है मुंबई में।
याद रखिएगा, सरकार के द्वारा नहीं, रिलायंस के द्वारा खोला गया है और मुंबई में खोला गया है ये। हाल ही में किस देश में सिख गुरुद्वारे पर हमला हुआ? तो ये देश है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, यहाँ पर यह हमला हुआ सिख गुरुद्वारे पर, जिसमें लगभग 11 लोगों की जान चली गई है। और हमले के लिए ज़िम्मेदार कौन है? तो IS ने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई है। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने लॉकडाउन के चलते अपनी सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी है? तो ये दोनों ही फ्लिपकार्ट और अमेज़न, इन दोनों ही कंपनियों ने अपनी सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी है। निम्न में से G20 वीडियो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता की गई है सऊदी अरबिया के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा, और सऊदी अरब के जो शासक हैं सलमान, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। निम्न में से 25 मार्च को किस देश में 7.5 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया? तो रूस में ये भूकंप आया था 25 मार्च के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हंता वायरस की पुष्टि हुई? तो इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी देखी थी, चीन में हंता वायरस देखने को मिला था। निम्न में से कोरोना वायरस के चलते टोक्यो ओलंपिक 2020 को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो ये 2021 के लिए स्थगित किया गया है, 2020 में होने वाला था, लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व की हालत ख़राब हो रही है, तो इसीलिए इसको स्थगित कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा किया गया है, और 2021 में अब ओलंपिक्स होने वाले हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पेप गार्डियोला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए करीब कितने करोड़ रुपए दान किए? तो इन्होंने 8-8 करोड़ रुपए दान किए हैं। और लियोनेल मेसी के साथ एक और आप बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने भी 3 इंटेंसिव केयर यूनिट डोनेट किए हैं, जिनकी कीमत भी करीब 8 करोड़ रुपये ही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं लियोनेल मेसी, पेप गार्डियोला और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन तीनों ने ही 8-8 करोड़ रुपए दान किए हैं। ओला और उबर किस शहर में 31 मार्च तक अपनी सभी सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी हैं? तो दिल्ली में ओला और उबर की सभी सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं 31 मार्च तक। और अस्थायी तौर पर हैं तो 31 मार्च के बाद भी वो बंद ही रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सांसद ने किस देश पर $200 खरब का मुकदमा किया है? तो ये मुकदमा किया गया है चीन के ऊपर, और पूरा विश्व कोरोना वायरस के चलते परेशान है, और इसका जो जिम्मा है वो चीन के ऊपर ही सौंपा गया है, चीन को ही इसके लिए ज़िम्मेदार माना गया है, और $200 खरब का मुकदमा किया गया है। हाल ही में फीफा ने COVID-19 अभियान के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो ये है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को फुटबॉल टीम के लिए फीफा ने COVID-19 अभियान के लिए सेलेक्ट किया है, और इनके साथ ही 28 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है इस टीम में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन ने लॉकडाउन के समय आर्थिक राहत के लिए कितने करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया है? तो ये है 1.7 लाख करोड़ रुपए, या फिर 1,70,000 करोड़ रुपए, इतने का ऐलान किया गया पैकेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मऊ जीवन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य है ओडिशा। COVID-19 से रोकथाम के लिए मेनली ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, मऊ जीवन कार्यक्रम, किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा। पेट्रोल पंपों और LPG सिलेंडर डिलीवरी सिस्टम को डिजिटल लेन देन में सक्षम करने के लिए किसने IOCL के साथ पार्टनरशिप की है? तो ये पार्टनरशिप की गई है पेटीएम के साथ में, और पेटीएम ने ये पार्टनरशिप की है ताकि पेट्रोल पंपों पर अगर पेट्रोल भराना हो तो पेटीएम के ज़रिए डिजिटल लेन देन सक्षम हो सके, डिजिटल लेन देन ईजी हो सके, तो इसके लिए पार्टनरशिप की गई है। निम्न में से किस IIT संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने COVID-19 के लिए किफ़ायती जांच पद्धति की खोज की है? तो ये है IIT दिल्ली। इस पद्धति का नाम क्या है? किफ़ायती जांच पद्धति है, इसका नाम है प्रोब फ्री डिटेक्शन SA। तो इस नाम से किफ़ायती जांच पद्धति की खोज की गई है, जो कि जाँच करने में ज़्यादा सक्षम है और किफ़ायती है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा इससे। स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और यह पहल की शुरुआत क्यों की गई है? क्योंकि अभी, क्योंकि 21 दिनों का लॉकडाउन है, लोग घर पर रहें, और घर पर रहकर क्या करें, तो स्टे होम इंडिया विद बुक्स पढ़कर घर पर रह सकते हैं, अगर कुछ काम नहीं है, बुक्स पढ़िए अच्छी अच्छी सी। नॉर्मली तो हम टाइम की कमी की वजह से कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं कि टाइम ही नहीं है, कहाँ से पढ़ें, अभी टाइम ही टाइम है, पढ़िए घर पर बैठकर। तो इसीलिए इस पहल की शुरुआत की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा।
मध्य प्रदेश के किस शहर ने पूरे शहर को साफ करने के लिए ड्रोन लॉन्च किए? तो ये शहर है इंदौर। नीति आयोग के द्वारा जो स्वच्छता सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि स्वच्छ भारत जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कौन सा शहर ने अच्छा किया है, तो इसमें इंदौर स्वच्छ शहरों की सूची में सबसे ऊपर ही देखने को मिलता है। और अभी ये पहल जारी रहे, जो स्वच्छता का अभियान चला हुआ है इंदौर में, जो साफ़ करने के लिए अभियान चला हुआ है वो जारी रहे, रुके ना, तो इसके लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है पूरे शहर को साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन में भारत, चीन, अमेरिका सहित कई देशों को कोरोना से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया गया है? तो ये है 5,000 अरब डॉलर का पैकेज। CBSE बोर्ड ने एफिलिएशन के लिए स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अब इसकी तारीख बढ़ाकर कर दी गई है 30 अप्रैल। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में किसी न किसी तरह आए लोगों को ट्रेस करने के लिए देहरादून और हरिद्वार कितने सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए गए हैं? तो देहरादून और हरिद्वार में 2 सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय में ही इनका कार्य चलेगा। और जितने भी लोग संपर्क में आए हैं कोरोना संक्रमित व्यक्ति से, उन्हें ट्रेस किया जाएगा इनके ज़रिए। COVID-19 पर स्टार्टअप के ज़रिए तकनीकी मैपिंग के लिए किसने टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इसने किया है तकनीकी मैपिंग के लिए टास्क फोर्स का गठन। निम्न में से पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 50 लाख रुपये की सहायता राशि दी है? तो 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। और आपने देखा ही होगा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की तरफ से भी 1 लाख रुपए PM रिलीफ फंड में डोनेट किए गए हैं। मैंने देखा था कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप खिला देते अपने आसपास के लोगों को, उनका पेट भरते थे। देखिए, हर एक तरह से हेल्प हो सकती है। जो लोग उस तरह से हेल्प करना चाहते हैं उस तरह से कीजिए, जो इस तरह से करना चाहते हैं इस तरह से कीजिए। PM रिलीफ फंड में भी डालना कोई बुरा नहीं है, आप हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खा जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस समय परेशान है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस बीमारी से निपटा जाए, लड़ा जाए और सेफ किया जाए इंडियन सभी भारतीयों को, बल्कि विश्व भी पूरा इसमें लगा हुआ है। सभी नेता लोग खा जाएंगे ये सोचेंगे तो फिर कोई भी आगे आएगा ही नहीं हेल्प करने के लिए। आपने देखा होगा अक्षय कुमार जो हैं, उन्होंने भी 25 करोड़ रुपये डोनेट किए हैं, PM रिलीफ फंड में ही डोनेट किए गए हैं। तो इसलिए हेल्प किसी भी तरह से हो सकती है। तो आप क्रिटिसाइज़, हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बड़ी राशि ही दान करें या डोनेट करें तो आपने तभी कुछ महान काम किया है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 101 रुपया भी डोनेट किया है, जितना उनके पास था। तो इसलिए कैसे भी आप हेल्प करना चाहते हैं, और मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आप कोई हेल्प नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ मत कीजिए, बस घर पर रहिए, वही सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो खैर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ और किस फुटबॉल महासंघ ने खिलाड़ी अब्दुल कादिर मोहम्मद फराह की कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि की है? तो ये पुष्टि की गई है सोमाली फुटबॉल महासंघ के द्वारा। फुटबॉल खिलाड़ी थे अब्दुल कादिर मोहम्मद फराह, इनकी भी कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये पर्वतारोही हैं सत्यरूप सिद्धांत, और 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। एशिया के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह का कोई रिकॉर्ड बनाया था, और इसीलिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये देश है अमेरिका, इसने हाइपरसोनिक परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये कंपनी है गूगल, इसने लॉन्च की है एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट। भारत की किस ऑयल फर्म ने दुनिया के सबसे साफ BS6 पेट्रोल डीजल की सप्लाई शुरू की है? तो ये ऑयल फर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कोसरा डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड कोरोना वायरस का टेस्ट किट बनाने के लिए CDSCO से लाइसेंस लेने वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये पहली ऐसी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? तो अहमदाबाद की एक कंपनी है, कोसरा डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और बात करें CDSCO की, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किसने देश के सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 31 मार्च तक घर से काम करने की मंजूरी दे दी है? तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स भी, सभी जितने भी हैं, मेनली जो गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, या फिर मैं तो RSTV ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो उसमें मैंने देखा है जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं सभी घर से कर रहे हैं एंकरिंग, तो काफ़ी अच्छा है, कुछ रुकेगा भी नहीं और काम भी सबका चल रहा है, और घर से काम कर रहे हैं तो सभी सेफ भी हैं, तो अच्छा डिसीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का हब बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये योजना है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स योजना। इस योजना के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का हब बनाया जाए। BCA ने महिला टीम की के किस कोच को यौन उत्पीड़न के आरोप की वजह से निलंबित कर दिया है? BCA यानी कि बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, तो इसने महिला टीम के किस कोच को निलंबित किया है? ये हैं अतुल बेडाडे, इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप था जिसकी वजह से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है अमेरिका ने, और ये रैपिड टेस्ट काफ़ी कारगर साबित हो सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ 45 मिनट के अंदर अंदर संक्रमित व्यक्ति का पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस से कौन व्यक्ति संक्रमित है या फिर नहीं है। अभी जो टेस्ट होते हैं उनका पता लगने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, दो दिन चार दिन या कई बार एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट आती है और तब पता चलता है कि कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित है या नहीं, और ये सिर्फ 45 मिनट में पता लगाएगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये अमेरिका ने इस तरह के रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दी है। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।